शहंशाह जहांगीर के अंतिम दिनों में किसी ने उनसे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा या आकांक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कश्मीर, बाकी सब बेकार है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती को उन्होंने बड़े ही करीब से देखा। तभी तो उन्होंने तथा उनके वारिस शाहजहां जी ने कई सुंदर सुंदर गार्डन कश्मीर को दिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं विजिट करने जा रहा हूँ ऐसे ही खूबसूरत 3 सबसे प्रमुख गार्डन, और साथ ही साथ मैं जाकर देखूंगा श्रीनगर का सबसे फेमस स्पॉट यानी कि लाल चौक और वहां की फेमस मक्का मार्केट को। इतना ही नहीं, उसके बाद मैं विजिट करूंगा श्रीनगर के इकलौते मॉल यानी कि सिटी मॉल को। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। श्रीनगर ट्रिप के पिछले 2 एपिसोड के डे 1 में हमने कवर किया यहाँ के फेमस रिलीजियस स्पॉट जैसे कि शंकराचार्य टेंपल और हजरत बल। तो वहीं दूसरे दिन हम लोगों ने स्टे किया हाउस बोट में और इंजॉय किया शिकारा राइड का। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर जरूर देखें। चलिए हम आज के वीडियो पर वापस लौटते हैं। सबसे पहले हम लोग विजिट करने जा रहे हैं श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध गार्डन यानी कि निषाद गार्डन को। चलिए गार्डन की खूबसूरती को देखते हैं और समझते हैं गार्डन की संरचना और इससे जुड़े हुए इतिहास को। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं इस समय श्रीनगर के सबसे फेमस गार्डन यानी कि मुगल गार्डन में, जिसको बसाया था, जिसको बनवाया था शहंशाह जहांगीर ने। आइए अंदर चलते हैं, कई पुरानी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। चलिए अंदर देखते हैं और वो यादों को ताजा करते हैं। 47 एकड़ में फैले हुए इस विशाल निषाद बाग मुगल गार्डन का निर्माण 1633 ईस्वी में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने शहंशाह जहांगीर के काल में करवाया था। यह एक ऐसा उद्यान है जहां से पीर पंजार पर्वत की श्रृंखला तथा नीचे झील का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। निषाद बाग एक उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब होता है गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट। दोस्तों मुगल गार्डन की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है ये फाउंटेन, जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बाहर एग्जिट तक है। सबसे बड़ी खासियत इस गार्डन की ये है, ये बड़ी सुंदर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, खुद तो मैं गलत हूँ, इसको शहंशाह जहांगीर जी ने बनवाया था। तो हो सकता है मुझे आगरे के ताजमहल का फाउंटेन और इस मुगल गार्डन का फाउंटेन बहुत हद तक सेम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी मुगलिया आर्किटेक्चर है, मुगलिया कलाकारी है। चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं। निषाद बाग एक सीढ़ीनुमा मुगल उद्यान है जिसमें जमीन से करीब 12 टेरेस हैं। हर टेरेस का अपना एक महत्व, अपनी एक सुंदरता है। तो हम लोग मुगल गार्डन में घूम रहे थे तभी हमको एक पुराने जमाने के सज्जन मिल गए जो बहुत अच्छे से पिक्चरों को फॉलो करते थे। तो ये घूमने आए इसलिए क्योंकि इनकी बहुत पुरानी यादें यहाँ ताजा है। कौन सी पिक्चर से आप जोड़ पा रहे हैं इस गार्डन में? पिक्चर की बहुत सी यादें हमारे साथ जुड़ी है। फिल्म आरजू, आरजू में ये गार्डन शूट हुआ था। आरजू में बहुत अच्छा गाना है इलाजी की से मस्ताना। अच्छा, इतनी शिकायत है। अरे वाह, हमें ये गाना बहुत इतनी शिकायत है। फिल्म आए दिन बाहर के, आए दिन बाहर में बहुत अच्छी पिक्चर थी। फिल्म आया सावन झूम के, अच्छा ऐसे ढेर सारी पिक्चरें, शूटिंग कुमार धर्मेंद्र, इन सब की पिक्चरें आती थी। अच्छा, इन सब की शूटिंग कह रहे हैं मुगल गार्डन में हुआ करती थी। मोस्टली 90% शूटिंग 60 और 70 के दशक में। हाँ, इसी गार्डन में। बहुत सुंदर गार्डन है, वाकई बहुत सुंदर गार्डन है, जिस तरह से मेंटेन है। और यकीन मानिए अगर इसे जो ये फॉग ना होता तो ये पहाड़ का जो श्रृंखला दिखाई पड़ी बहुत सुंदर लगती, और बर्फ में ठंडक में ये कितना सुंदर लगेगा आप सोच भी सकते हैं। चलते अंदर देखते हैं और भी मजे लेते हैं। जो यह पानी की शानदार श्रृंखला आप स्टेप बाय स्टेप गिरते हुए देख रहे हैं, इसको गोपी व्यास कहा जाता है, जो बगीचे को साफ पानी की आपूर्ति प्रदान करता है। दोस्तों हम लोग मुगल गार्डन के सबसे एंड पॉइंट में खड़े हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ एक हॉल जैसा दिख रहा है जहाँ से पानी अपने आप निकल रहा है। ये सबसे टॉप स्टेप है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं तो प्रायः लोग थक जाते हैं, लेकिन इतना सुंदर व्यू था रास्ते में कि मैं आपसे क्या बताऊं।
इसका उद्गम गार्डन के सबसे ऊपर 12th टेरेस पे स्थित है, जिसको जीनाना चैम्बर भी कहते हैं, जहां पर करीब 5.5 मीटर ऊंची दीवारों से पानी को रोककर इस शानदार श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, बहुत कम ऐसे गार्डन होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। आज मैं उन गार्डनों में से एक गार्डन विजिट कर रहा हूँ, मुगल गार्डन, मुझे ताउम्र याद रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। दोस्तों, अब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं श्रीनगर के दूसरे फेमस गार्डन, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में बनवाया गया था। चलिए चलते हैं और गार्डन को विजिट करते हैं। देखो, इस समय हम लोग हैं श्रीनगर के सबसे फेमस गार्डन बॉटनिकल गार्डन में, और जरा यहाँ का नज़ारा देखिए। ₹30 का टिकट है एडल्ट का और ₹15 का है बच्चों का। 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो ₹15 का टिकट है, उनसे ऊपर ₹30 का टिकट है। आइए अंदर तक देखते हैं, पूरा गार्डन विजिट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन का निर्माण 1969 में किया गया और यह 1987 में जाकर पूर्ण हुआ। इस उद्यान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर करीब 1.5 लाख से भी अधिक सुंदर पौधे और पेड़ स्थापित हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं पेड़, कितना शानदार इसकी पत्तियां हैं। ये देखिए, मैंने एक पत्ती तोड़ी भी है। इसकी डिजाइन देखिए, हल्की सी येलोइश ग्रीन, और ये पूरा पेड़ इतना अच्छा है। इस पेड़ का नाम है जिंको, जिंको नाम का पेड़ है, जिसका पूरा नाम है जिंको बिलोबा करके, और यहाँ बॉटनिकल गार्डन में है। मुझे बहुत शानदार पेड़ लगा। इसमें सर आपको बताऊँ कि कश्मीर में कितने शानदार शानदार पेड़ मिलते हैं जो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। गार्डन के बीचों बीच 17 हेक्टेयर में फैली हुई एक खूबसूरत झील है, जिसमें स्थित फाउंटेन को देखते ही बनता है। तो करीब आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे, इतना आनंद आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। ये लेक देखिए, इस तरफ फाउंटेन शो हो रहा है। ये बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या कपल के साथ यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, बहुत भीड़ नहीं है, ओवर क्राउडेड नहीं है। लोग यहाँ पिकनिक मना रहे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, और हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। ये पेड़, इस तरह के पेड़ मैंने तो किसी गार्डन में अभी तक नहीं देखे, जिस तरह से यहाँ कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं श्रीनगर के सबसे पुराने और सबसे बड़े गार्डन, यानी कि शालीमार बाग गार्डन को। चलिए चलकर वहां की खूबसूरती को निहारते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं आज श्रीनगर के एक और शानदार गार्डन, जिसका नाम है शालीमार गार्डन। इसको मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि शालीमार गार्डन कैसा है। शालीमार गार्डन का निर्माण शहंशाह जहांगीर ने सन 1619 में करवाया था। इस गार्डन को बड़े ही सम्मान से श्रीनगर का ताज भी बुलाते हैं। मुगल काल के दौरान शहंशाह जहांगीर और उनकी पत्नी नूर जहां कश्मीर से इतनी प्रभावित थी कि दिल्ली से हर वर्ष गर्मियों में वह कश्मीर आ जाया करती थी। ऐसा उन्होंने कम से कम 13 बार किया, और हर बार वह अपने पूरे दरबार के साथ यहीं शालीमार बाग में आकर रुकती थी। यह उद्यान गर्मियों में शाही निवास तथा दरबार था। श्रीनगर के गार्डन्स को देखने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया थी, ये तो आप देख ही सकते हैं। चलिए अब चलते हैं श्रीनगर के सबसे फेमस स्पॉट, यानी कि लाल चौक, और जानते हैं कि वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं रीगल चौराहे के पास और जा रहे हैं लाल चौक देखने। सुना है शाम को लाल चौक की छटा अद्भुत होती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े हैं श्रीनगर के दिल पे, यानी कि हार्ट ऑफ द सिटी, लाल चौक पे। लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट जो कि रियासत के महाराज हरि सिंह से लड़ाई कर रहे थे, रूसी क्रांति से प्रेरित होकर इस चौराहे का नाम लाल चौक रखा।
देश की आजादी के पश्चात सन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको यह भी बताता चलूं दोस्तों कि इस घंटाघर का निर्माण सन 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स द्वारा किया गया। हाल ही में 2024 में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया। लाल चौक के पास में ही स्थित है मक्का मार्केट, जहां आप कई तरह के सामान जैसे कि कपड़े, जूते चप्पल, ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें, ताकि आप एक अच्छा अनुभव घर लेकर जा सकें। दोस्तों, श्रीनगर की सर्द शाम है और हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर का वन एंड ओनली इकलौता सिटी मॉल में घूमने। चलिए देखते हैं कि यहाँ का मॉल कैसा है। मॉल के भीतर सभी फेमस ब्रांड उपलब्ध हैं, जहाँ से आप शॉपिंग इत्यादि कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ का फूड कोर्ट भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। इसी के साथ श्रीनगर की हमारी 3 दिन की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे श्रीनगर के फेमस जायके, जिसमें यहाँ का फेमस वाजवान भी शामिल है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।